अब पाएं सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर। नमस्कार, मैं हूँ शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हम बात करते हैं पारुल साहू जी से। पारुल जी, कैसा लग रहा है घर वापसी कर? मुझे खुशी है, मैं घर वापसी की है मैंने, और ये मेरा परिवार जैसे ही है क्योंकि मेरे पिताजी इसी परिवार में रहे हैं। हम हैप्पी। क्या लग रहा है फिर चुनाव में? माना जा रहा है कि ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है, क्योंकि संभावित है आप कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। देखिए, चुनाव जब भी होता है तो पहले कहते हैं कि दल लड़ता है, लेकिन इस बार 2020 में जो हुआ है, आप सबने देखा और जनता ने भी देखा है, एक चुने हुए जनसेवक को अधिकार नहीं है बिना जनता की अनुमति के आप बेंगलोर में बैठ के निर्णय लें, और जनता का ये अपमान है एक तरीके से। तो ये तो गलत हुआ है इस बार, और जो परिस्थितियां सब देख रहे हैं और जनता भी देख रही है, तो उसका जवाब जनता देगी इस बार। पारुल जी, जैसा कि कई सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं सुर्खी विधानसभा को लेकर के, तो आपका क्या मत है? क्योंकि अभी हालांकि चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द तारीखें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत जल्द तारीख क्लियर होगी, और इस बार पूरी तरह से पूरे प्रदेश में और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी जनता तैयार है, और मैं केवल जनता की आवाज़ बन के आई हूँ। मंत्री गोविंद सिंह ने भी हाल ही में, जब आप कांग्रेस में आई थी, तो उनका एक बयान सामने आया था कि आज पहले भाजपा में थी, अब कांग्रेस में आई, हो सकता है आगे वो तीसरी पार्टी में चली जाए। देखिए, किसी के कहने पे मुझे कुछ निर्णय नहीं लेना होता है, मैं केवल जनता के लिए काम करती हूँ, और जनता जो निर्णय लेती है जनता के हिसाब से और जनता की अनुमति से मैंने निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात मैंने जो सबसे पहले कही आपसे कि भाई, आज संविधान की जब हम बात करते हैं तो जनता सबसे बड़ी होती है, निर्णय हमेशा जनता लेती है, जनता का अधिकार होता है कि वो उसे किसको चुनना है और किस पार्टी को चुनना है और कौन उसका नेतृत्व करेगा। जनसेवक को ये अधिकार नहीं है कि जनता की अनुमति के बगैर आप अपना निर्णय लें और जनता को धोखा दें। तो क्या लग रहा है पारुल जी कि जब चुनाव होगा, आप मैदान में होंगी कांग्रेस की तरफ से, तो किन मुद्दों के तहत जाएंगी आप? देखिए, मैं जब विधायक रही 5 साल में मैंने जनता के लिए काम किया और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हो, ताकि हमारे किसान भाई मजबूत हों, उनकी सिंचाई की व्यवस्था इतनी हो जाए ताकि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आगे भी मेरा एक ही मुद्दा है और हमेशा से रहा है, राजनीति में जब जनता किसी को चुनती है तो जनता के लिए हम काम करना हमारी ड्यूटी है, और वो हम करते हैं, तो आगे भी मैं जनता के लिए काम करूँगी। पारुल जी, अभी हाल ही में मंत्री जी ने ये कहा था कि, मतलब ऐसी बात कही जा रही है लगातार कि उन्होंने 5 साल में आपने कोई काम नहीं किया है, क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा आप नहीं गए हैं, और एक जीरा बांध जो परियोजना है उसको लेकर यहाँ पर बात आई। देखिए, मीडिया से कुछ छुपा नहीं है, 5 साल जब मैं विधायक रही हूँ तब आपने भी देखा है कि पूर्व में कितने करोड़ों के स्वीकृति हुई है, जेरिया मध्यम सिंचाई परियोजना का भी भूमि पूजन हो चुका है, 2017 में ही हो चुका था, 16-17 में, अगर आपको ध्यान हो, फोटोज़ भी उसमें खुद गवर्नमेंट पोर्टल में था। साथ ही साथ ये अपरकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हो, भापेल जैसी नगर रोड हो, जैसी नगर की तहसील हो, या हमारा समनापुर बिलहरा रोड हो, तो ये सारी बातें तो जनता ने मुझे बताई जब मैं चुन के आई, तब पहले की स्थिति क्या थी और 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं होगा वो जनता बताती है, कोई व्यक्ति नहीं बताता है, और मीडिया सबसे बड़ा साक्ष्य है, आप लोग प्रमाणित हैं, आप लोग देखे हैं पहले भी, 5 साल पहले, 6 साल पहले क्या परिस्थिति थी, और मेरे कार्यकाल में क्या हुआ वो तो आप ग्राउंड रिपोर्ट में, आपसे अच्छा काम तो कोई नहीं करता है, आप जाके देखिए, जनता बताएगी कि काम क्या हुआ है और पहले क्या परिस्थिति थी। क्योंकि मंत्री जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये बात कही थी
कि भले ही आपके समय में आया था लेकिन अभी कैबिनेट में मंजूरी दो दिन पहले ही मिली होगी। देखिए उसका पूजन भी हो चुका था और उसके प्रमाण भी हैं और सबको पता है कि जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगातार जो प्रयास मैंने किए थे और जनता सब जानती है और जनता के बीच में हम इस प्रपोजल को लेके गए हैं, तो किसी एक व्यक्ति के कहने से चीज़ सच का झूठ और झूठ का सच नहीं हो जाता है। निर्णायक तो जनता होती, जनता को सब पता है। पारो जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, पिछली बार आपको कम समय मिला था चुनाव के दौरान, इस बार आपको समय है, तो फिर क्या इस बार रहेगा? देखिए पिछली बार 2013 में जब मैं चुनाव लड़ी थी महज 20 दिन का समय मुझे मिला था। उस वक्त सुरखी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझ पर पूरा विश्वास किया था, भरोसा किया था और मुझे विजय बनाया था। उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि अब जनता के अधिकार के लिए और जनता के लिए हमेशा मैं फील्ड में रहूंगी और मैंने अपना धर्म निभाया। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट काम, हमारे 11 से 12 सिंचाई परियोजनाएं हों, हमारी मुख्य प्रमुख जो बड़ी बड़ी रोड्स हों या हमारे ITI हो, हमारी तहसील हो, जो जो बातें उनने हमसे कहीं कि ये ज़रूरत है तो वो हमने कोशिश की और वो सब फील्ड में आया, लोगों ने देखा भी। तो मैं समझती हूँ कि इस बार का चुनाव जो है वो जनता के लिए है और जनता की आवाज़ बनके मैं आई हूँ। तो इस बार का चुनाव किसी दल का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं, मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ। इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता का जो अपमान सुरखी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जो धोखा उनके साथ हुआ है, इस बार जनता जवाब देगी। और जो डर और अहंकार की राजनीति इस समय सुरखी में चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए मैं सुरखी विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ बन के आई हूँ और जनता जवाब देगी इस बार। पर जी एक सवाल रह गया मेरा, कमलनाथ जी से तो आपकी बात हुई थी लंबे समय तक, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए माननीय कमलनाथ जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में मुझे सम्मान और स्नेह मिला है, मुझे परिवार में स्थान मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आगे जो भी रणनीति होगी तो सीनियर लीडर ही तय करते हैं, मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगी। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। पूर्व विधायक पारुल साहू जी से हम बात कर रहे थे, अब वो कांग्रेस में हैं और बहुत ही जल्द अब हम देखेंगे कि जो सुरखी में उपचुनाव होना है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। शुक्रिया। अब पाएं सभी दवाइयां एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर।